नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं आप सभी के साथ संगीता झा। इसकी आप सभी जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन खुल रहा है, कल 50% बसें भी खुलेंगी। बहुत सारे चीज़ों में रियायत दी गई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा। तो कोरोना अभी तक कमा नहीं है, वैक्सीन की लगातार वैक्सीन दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप सभी वैक्सीन लें, कहीं ना हो लॉकडाउन खुलने के बाद लोग बेपरवाह हो जाएं और किसी तरह का कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। इसको लेकर हमारे साथ उपाध्यक्ष जी हैं, उनसे जानते हैं वो क्या जनता को संदेश देंगे अपने तरफ से। देखिए, ये जो कल 1 तारीख से लॉकडाउन का जो सरकार द्वारा जो घोषणा किया गया है कि इसको कम कर देना है, बहुत सा परिसेवा जो चालू होगा, बस उस या बाज़ार मार्केट जो चालू हो रहा है, तो मैं तो सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ अपने पश्चिम बंगाल सरकार के। बात ऐसा है कि हमें बेपरवाह नहीं होना है और अपने आप को सब समय सुरक्षित रहना पड़ेगा। लॉकडाउन खुल जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप निडर हो जाइए, मास्क पहनना भूल जाइए, हैं अपने से दूरी बनाना भूल जाइए। ये चीज़ जो है हमेशा रखना पड़ेगा, लॉकडाउन का पालन तभी होगा। ये मनुष्य का जो जिंदगी है, ये सबसे बहुत बड़ा मूल्यवान चीज़ है। इस पर हम लोगों को मैं सभी बंगाल वासियों से मैं आग्रह करता हूँ कि सरकार का गाइडलाइन का पालन करें और जितने भी मार्केट बाज़ार, जितने भी उद्योग, जितने भी सब चीज़ खुल रहे हैं, हम लोग माने डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार का गाइडलाइन को माने। अपने आप को सुरक्षा में रहना है। लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम बेफिक्र हो जाएं, मास्क पहनना छोड़ दें, सैनिटाइजर करना छोड़ दें, अपने से दूरी बनाना छोड़। अगर ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, क्यों ना हम हो, अगर ये हमारे अंदर में अगर भावना आ जाएगी कि ये कोरोना नहीं है, या कोई मजहब देख के कोई रोग और कोई प्रकार के समस्या नहीं आती है, रोग हर व्यक्ति को हो सकता है, हर लोगों को हो सकता है, ये कोरोना कोई मजहब और कोई जात देख के नहीं आता है। इस पर तत्पर रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए और इसको कड़ा पालन करना चाहिए, जो कि हमें मूल्यवान जिंदगी को कैसे बचाया जाए। पूरा पूरी देखिए, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार का अनुमति से अगर खुल भी जाए, जितना लोकल खुल भी जाए, लोग यातायात भी करें, लेकिन जो आपको बोलें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना ही पड़ेगा और हमें अपने आप को सुरक्षित रहना पड़ेगा। हमारी सरकार का जो गाइडलाइन है ये बहुत बढ़िया है। देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया कैंपिंग हो रहा है और लोगों तक वैक्सीन पहुंच भी रहा है। और कुछ कुछ जो जगह है, देख रहे हैं कि सरकार जहां देख रही है कि आप यहां पर ज़्यादा खतरा है कोरोना का, वहां वहां वो लॉकडाउन भी हो गया है। सरकार का गाइडलाइन बहुत अच्छा है, उसे हमें पालन करना चाहिए और सरकारी प्राइवेट देख के कोरोना नहीं होता है, ये सबको हो सकता है। यहाँ से जाएगा उत्तरपाड़ा, उत्तरपाड़ा से ट्रेन पकड़ेगा कोलकाता ही जाएगा, तो कोलकाता किसमें जाएगा? हाँ, कोलकाता जावर तो रास्ता नहीं। शुरू होगा तो ठीक ही होगा, तो लोगों को जाने आने जाने में तकलीफ तो होता ही है काम पे जाने पे, तो चालू होगा तो ठीक ही होगा। तो लोकल ट्रेन चालू होता और भी अच्छा होता, लेकिन बंद है तो क्या करे जाएंगे। बस चलेगा तो अब तो बाहर से आदमी आएगा तो अब तो हमारा दुकान चलेगा, तो पूरा दुकान ना चले ले ओराव तो आस्ते बार चेना, बाहरे लोग तो आस्ते बार चेना। अरे बाहरे लोग दिन नहीं हमारे कारोबार, अरे बाहरे लोग जो दिन ना तारा ड्यूटी आस्ते बार लो तारा तो बाड़ी थे कहीं बात तारे बाड़ी थकते होच्छे अथे दुकान चल चेना, लोग आना जाना कर ले तबे तो लोग दुकान चल रही।